ये देखिए गले की पट्टी कंप्लीट हो गई, सारे फंदे बंद कर दिए हमने और सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए कितना प्यारा ब्लाउज बना है। बहुत ही प्यारा ब्लाउज बना है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मी एंड पापा द होम मेकर्स पर। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ, उसमें मैं चोली कट ब्लाउज बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है और वर्धमान की ऊन ली है। 10 नंबर की सिलाई पर 42 फंदे डाल लेते हैं। फंदे कैसे डालते हैं दिखाते हैं। इस तरह से ऊन डबल कर लेंगे। फोर्टी टू फंदे डाल देते हैं। फोर्टी टू फंदे डालने के बाद दिखाते हैं। ये देखिए मैंने 42 फंदे डाल लिए। अब पहली सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। उल्टी सिलाई कंप्लीट करते हैं। उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली हम। और दूसरी सिलाई में एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बॉर्डर बनाएंगे। पहला फंदा हम बगैर बिने लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे और तीसरा फंदा सीधा। इसी तरह से एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बुनते हुए 6 सेंटीमीटर बॉर्डर बनाना है। 6 सेंटीमीटर बॉर्डर बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा 6 सेंटीमीटर बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए 10 नंबर की सिलाई पर 6 सेंटीमीटर बॉर्डर बना ली। अब 9 नंबर की सिलाई पर एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी 10 सेंटीमीटर बुनाई करेंगे। तो ये चोली कट ब्लाउज का अगला दाहिना हिस्सा है। अब इसको 9 नंबर की सिलाई से एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी 10 सेंटीमीटर बनाते हैं। एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी 10 सेंटीमीटर बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। 9 नंबर की सिलाई से सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली और उल्टी सिलाई बुनेंगे। तो इसी तरह बुनाई करते हुए 10 सेंटीमीटर बना लेते हैं। एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए बॉर्डर के बाद 10 सेंटीमीटर बुनाई कर ली हमने। अब चोली बनाना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू में 2 फंदे का ये करेंगे और 28 फंदा हम सीधे बुनेंगे। ये अगला दाया हिस्सा है, इसलिए सीधे साइड से हमने 2 फंदे का एक किया और बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब आखिरी के 12 फंदे हम छोड़ देंगे, सिलाई या सेफ्टी पिन पर उतार देंगे। तो 28 फंदे बुन लेते हैं फिर दिखाते हैं। 28 फंदे बुनने के बाद दिखाते हैं। देखिए 28 फंदे बुन लिए हमने, 12 फंदे छोड़ दिए। अब इसको हम सेफ्टी पिन पर उतार देंगे। उल्टी साइड आ गए, उल्टी साइड भी हम 2 फंदे का एक करेंगे शुरू में। 12 फंदे हमने सेफ्टी पिन पर उतार दिए, अब 2 फंदे का एक करेंगे।
दो फंदे एक साथ बुनेंगे, बाकी के फंदे उल्टे बुन लेते हैं। सिलाई कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली, सीधी साइड आ गए। फिर वही दोहराएंगे, दो फंदे का एक करेंगे, दो फंदे का एक कर दिए, बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे। सिलाई कंप्लीट करते हैं। सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली, फिर उल्टे साइड आ गए। फिर वही दोहराएंगे, तो इसी तरह दोनों साइड से एक फंदा घटाना है। जब तक के 10 फंदे नहीं रह जाते तब तक के दोनों साइड से एक फंदा घटाना है, एक फंदा सीधी सिलाई में, एक फंदा उल्टी सिलाई में। दो फंदे का एक करेंगे, 10 फंदे रहने तक इसी तरह। ये देखिए दोनों साइड से हमने फंदे घटा दिए। अभी एक बार और घटा देते हैं, 10 फंदे रह गए। दोनों साइड से एक एक फंदा घटाया, 10 फंदे रह गए। अब जिस तरह से हमने ये फंदे घटाए हैं उसी तरह हम हर बार हर सिलाई में एक एक फंदा दोनों साइड से उठाते जाएंगे। उल्टी सिलाई कंप्लीट करते हैं। उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब जिस तरह हमने फंदे घटाए थे उसी तरह हम फंदे उठाएंगे। एक फंदा हम उठा लेते हैं इधर से, एक फंदा उठा लिया। अब इसको हम उल्टा बुन देंगे। एक फंदा बगैर बुन लेंगे, बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे। एक फंदा हम इस साइड से उठाएं, दोनों साइड से इसी तरह एक एक फंदा उठाते हुए चोली बनानी है। उल्टी दो कंप्लीट करते हैं। उल्टी रो कंप्लीट कर ली, फिर एक फंदा उठाएंगे। इसी तरह दोनों साइड से फंदे उठाते हुए बुनाई कंप्लीट करते हैं। पहला फंदा बगैर बुने लेंगे, बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे। देखे दोनों साइड से एक फंदा उठाते हुए हमने 6 सिलाई कंप्लीट कर ली। अब 8 सिलाइयां में दो 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 फंदे उठाएंगे। एक फंदा उठाया, अभी दूसरा फंदा उठाएंगे। इस तरह से हम दो फंदे उठाएंगे। दो फंदे उठा लिए, 8 सिलाइयों में दो दो फंदे उठाना है। अभी हमने 6 सिलाई कंप्लीट करी, उसमें हमने एक एक फंदा उठाया, अब हम दो दो फंदे उठाएंगे। तो 8 सिलाई इसी तरह कंप्लीट करेंगे, हर सिलाई में दो फंदे उठाएंगे। ये देखिए बुनाई करते हुए हमने अभी 6 सिलाई कंप्लीट कर ली। एक फंदा हमने साइड से उठाया, एक फंदा हमने इस साइड से उठाया, 6 फंदे उठ गए। अब 8 सिलाइयों में हम दो दो फंदे उठाएंगे। अभी हमने 6 सिलाइयों में एक एक फंदा उठाया है दोनों साइड से,
अब हम दो फंदे उठाएंगे। हम दो फंदा उठाएंगे, अभी हमने एक एक उठाया है, अब दो फंदे उठाएंगे। एक फंदा उठाया और दूसरा फंदा, दो फंदे उठा लिए। उल्टी साइड आ गए, रो कंप्लीट करते हैं। रो कंप्लीट कर ली, अब दो फंदे उठाएंगे। एक फंदा उठाया और एक फंदा और उठाया, दो फंदे उठा ली, सीधी साइड आ गए, एक फंदा बगैर बुने और बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह हम आठ रो कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं। आठ रो कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाते, ये देखिए आठ सलाई कंप्लीट कर ली हमने। अब चार सलाइयों में, अभी हमने पहले हमने छह सलाइयों में एक एक फंदा बढ़ाया और फिर हमने आठ सलाइयों में दो दो फंदे उठाए, अब हम चार सलाइयों में एक एक फंदा उठाएंगे। तो चार सलाइयाँ कंप्लीट करते हैं फंदे उठाते हुए, अभी हम एक फंदा उठाएंगे। एक फंदा हम इस साइड उठाएंगे और एक फंदा हम इस साइड उठाएंगे। तो ये रो कंप्लीट करते हैं फिर दिखा। देखिए रो कंप्लीट कर ली हमने, अब एक फंदा हम इस साइड उठाएंगे। इसी तरह से चार रो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। दोनों साइड एक फंदा उठाते हुए रो कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए फंदे उठाते हुए चोली की बुनाई कंप्लीट हो गई। अब जो हमने जो 12 फंदे छोड़े थे उनको भी हम बुन लेते हैं, सलाई पे ले गए। देखिए छोड़े हुए फंदे हम साथ में बुन लेते हैं, जो 12 फंदे छोड़े थे उनको साथ में बुन लेते हैं। कटोरी की बुनाई कंप्लीट कर ली, चोली बन गई और अब 9 सेंटीमीटर और बनाएंगे। एक सलाई सीधी एक सलाई उल्टी, 9 सेंटीमीटर और बनाएंगे फिर मुड्ढा कटाएंगे। एक सलाई सीधी एक सलाई उल्टी 9 सेंटीमीटर बना लेते हैं। ये देखिए चोली बनाते हुए फंदे उठाए हमने, तो आठ फंदे एक्स्ट्रा उठ गए हैं, तो इन फंदों को हम घटाएंगे। तो जिस साइड हम बटन पट्टी लगाएंगे उसी साइड हमको घटाना है। तो दो फंदे का एक सीधी सिलाई में, दो फंदे का एक करेंगे तो आठ फंदे घटाना है। हर सीधी सिलाई में फंदा घटा देंगे, दो फंदे का एक करेंगे। सीधी सिलाई में बुनाई करते हुए दो फंदे का एक करेंगे। इसी तरह हमको आठ फंदे घटा देना है। आठ फंदे बढ़ गए हैं चोली बनाने में, उनको घटाना है। वो बढ़ जाते हैं, फंदे उठाते हैं साइड से तो फंदे बढ़ जाते हैं। इसको हमको हर सीधी सिलाई में दो फंदे के करते हुए घटा देंगे। 9 सेंटीमीटर बुनाई कर लेते हैं फिर दिखाते हैं।
ये देखिए हमने चोली बनाने के बाद 9 सेंटीमीटर बुनाई कर ली। अब मुड्ढा घटाना शुरू करेंगे, तो मुड्ढा घटाते हैं। पहली सिलाई में हम 6 फंदे घटाएंगे, 1 फंदा, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा, चौथा फंदा, पांचवा फंदा और छठवा फंदा। 6 फंदे घटा दी, बाकी के उल्टे फंदे बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई पर फंदे घटाए हैं हमने, दाया बन रहा है। उल्टी साइड से घटाया तो उल्टी रो कंप्लीट कर लेते। उल्टी रो कंप्लीट कर ली, अब सीधी साइड आ गए तो सीधी रो भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। 6 फंदे घटाने के बाद रो कंप्लीट करी, सीधी साइड आ गए, ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। सीधी रो कंप्लीट कर ली, अभी हमने 6 फंदे घटाए थे, अब 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 1 फंदा घट गया, ये दूसरा फंदा, 2 फंदे घट गए, अब रो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। उल्टी रो कंप्लीट कर ली, सीधी साइड आ गए, रो भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। सीधी साइड से रो कंप्लीट करते हैं। सीधी रो कंप्लीट कर ली, उल्टी साइड आ गए। अब अभी हमने 2 फंदे घटाए थे, हम 1 फंदा घटाएंगे। पहले 6 फंदे घटाए, फिर 2, अब 1 घटाएंगे। 1 फंदा घटा दिए, रो कंप्लीट करेंगे। उल्टी रो कंप्लीट कर ली, सीधी साइड आ गए, ये रो अभी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। सीधी रो कंप्लीट कर ली, उल्टी साइड आ गए, अब हमने 1 फंदा घटा था, फिर से हम 1 फंदा घटाएंगे। ये देखिए मुड्ढे की कटाई कंप्लीट कर ली हमने। पहले हमने 6 फंदे घटाए, फिर 2, फिर 1 1 करके कटाई करी। अब गले की कटाई शुरू करते हैं। गले की कटाई में एक साथ 6 फंदे घटाएंगे, 1 फंदा, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा, चौथा फंदा, चौथा फंदा घटाया, पांचवा फंदा, 2 फंदे एक साथ बुनते हुए 5वां फंदा घटा दिया, अब 6वां फंदा, 6 फंदे घटा दिए, अब रो कंप्लीट करते हैं। रो कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। देखिए रो कंप्लीट कर ली, अब उल्टी साइड से रो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली हमने, सीधी साइड आ गए। अभी हमने 6 फंदे घटाए थे, हम 3 फंदे घटाएंगे। 1 फंदा घटाया, दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा, 3 फंदे घटा दिए, अब रो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट करते हैं। 3 फंदा घटाने के बाद हमने सीधी रो कंप्लीट करी, फिर हमने उल्टी रो कंप्लीट करी, अब फिर सीधी साइड आ गए, अब 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 1 फंदा घटा दिया, दूसरा फंदा घटाएंगे, दोनों 2 फंदे घट गए, रो कंप्लीट करते हैं।
रो कंप्लीट करते हैं। रो कंप्लीट कर ली, एक पहले हमने दो फंदे घटाए और सीधी रो कंप्लीट करी, फिर हमने उल्टी रो कंप्लीट करी, अब सीधी साइड आ गए। अब एक फंदा घटाएंगे, एक फंदा घटाया, रो कंप्लीट करेंगे, रो कंप्लीट करेंगे और एक उल्टी रो बनेंगे, उसके बाद दिखाएंगे। उल्टी रो कंप्लीट कर ली, सीधी साइड आ गए, अब एक फंदा और घटाएंगे, एक फंदा घट गया, अब घटाना बंद करेंगे और 12 सेंटीमीटर एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी इसी तरह से बुनेंगे 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर बुनने के बाद फिर दिखाते हैं, गला घटाने के बाद 12 सेंटीमीटर बुनना है तो 12 सेंटीमीटर बना लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। देखिए मुड्ढे और गले की घटाई करने के बाद हमने 12 सेंटीमीटर बुनाई कंप्लीट कर ली, तो अगला दायां हिस्सा कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने बायां हिस्सा भी बनाया है। देखिए दोनों पल्ले कंप्लीट हो गए, अब पिछला हिस्सा बनाएंगे, तो पिछले हिस्से के लिए हम फंदे डाल लेते हैं। ये दोनों पल्ले बनाने में थोड़ा ध्यान रखना होगा कि एक पल्ले में हम सीधी साइड से फंदे घटाना शुरू करते हैं जोली बनाने के लिए, और दूसरे पल्ले के लिए हम उल्टे साइड से फंदे घटाना शुरू करते हैं। यही ध्यान रखना है दाएं बाएं का। और हम पिछला हिस्सा बनाएंगे तो उसके लिए हम फंदे डाल लेते हैं, ऊन दोहरा करके पकड़ेंगे और 85 फंदे डालेंगे, 85 फंदे डाल लेते हैं। इस तरह से फंदे डालेंगे तो 85 फंदे डालने के बाद फिर दिखा दें। देखिए 85 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब एक सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे और फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बॉर्डर बनाएंगे। एक सिलाई उल्टी बुनेंगे इस तरह से, पहली सिलाई पूरी उल्टी बुन लेते हैं और फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे। सिलाई कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए उल्टी रो कंप्लीट कर ली हमने। उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद अब एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बॉर्डर बनाएंगे। दोनों साइड से जो जैसा फंदा देखेगा वैसा बनेंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा दोनों साइड से, एक इसी तरह से बुनना है और 6 सेंटीमीटर बॉर्डर बना लेना है। 6 सेंटीमीटर बॉर्डर बन जाएगी उसके बाद दिखाते। 6 सेंटीमीटर बॉर्डर बना लेते हैं, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा दोनों साइड से जो जैसा दिखेगा वैसा बुनना है, तो ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते। ये देखिए 6 सेंटीमीटर बॉर्डर कंप्लीट कर ली हमने और एक सिलाई सीधी हमने बना ली है और एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी, इसी तरह हम 25 सेंटीमीटर और बुनाई करते हैं फिर दिखाएंगे। एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी, अभी हमने सीधी सिलाई बना ली, अब हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं, तो एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी कर बनाते हुए 25 सेंटीमीटर बुनाई करनी है, तो 25 सेंटीमीटर बन जाएगा उसके बाद दिखाएंगे। रो कंप्लीट करते हैं और इसी तरह बुनते हुए 25 सेंटीमीटर बुनाई कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है फिर दिखाएंगे। ये देखिए ब्लाउज का पिछला हिस्सा है, इसकी बुनाई हमने 25 सेंटीमीटर कंप्लीट कर ली। अब घटाई करेंगे मुड्ढे की, मुड्ढा कैसे घटाते हैं देखिए। तो पहले हम 5 फंदे घटाएंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, दो फंदों का एक करते हुए हम 5 फंदे घटा देते हैं, दो फंदे घट गए, तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा, 5 फंदे घटा दिए,
पाँच फंदे घटा दिए हमने, अभी रो कंप्लीट करते हैं, उल्टी साइड आएंगे तो फिर से घटाएंगे। देखिए बुनाई कंप्लीट, सिलाई कंप्लीट कर ली हमने, सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली पाँच फंदे घटाने के बाद। अब उल्टी साइड आ गए तो उल्टी साइड भी हम पाँच फंदे घटाएंगे, दो फंदे का एक करेंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, एक फंदा घट गया, दूसरा, तीसरा फंदा, चौथा फंदा, ये पांचवा फंदा, पांच फंदे हमने घटा दिए। अब उल्टी रो कंप्लीट करते, देखिए पांच फंदे घटाने के बाद उल्टी रो अभी कंप्लीट कर ली, अब से सीधी साइड आ गए, अब दो फंदे घटाएंगे। अभी हमने पहले पांच फंदे घटाए, अब दो फंदे घटाएंगे, एक फंदा घट गया, ये दूसरा फंदा, अब रो कंप्लीट करेंगे, सीधी रो कंप्लीट करेंगे, दो फंदे घटाने के बाद सीधी रो भी कंप्लीट कर ली, अब उल्टी साइड आ गए, उल्टी साइड भी हम दो फंदे घटाएंगे, दो फंदे घटा देते हैं, एक फंदा घट गया और दूसरा फंदा घटा दिया, अब उल्टी रो कंप्लीट करते हैं, उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं, उल्टी साइड भी दो फंदे घटाने के बाद रो कंप्लीट कर ली, अब सीधी साइड आ गए तो अब एक फंदा घटाएंगे, एक फंदा घटा देते हैं, एक फंदा घट गया, अब सीधी रो कंप्लीट करेंगे, सीधी रो कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाते हैं। ये रो भी कंप्लीट कर ली हमने, अब उल्टी साइड आ गए तो उल्टी साइड भी एक फंदा घटा देते हैं, एक फंदा घटा देंगे, दो फंदे को एक साथ बुन दिया, दो फंदे का एक कर दिया, एक फंदा घट गया, अब उल्टी रो कंप्लीट करते हैं, उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। देखिए मुड्ढों की घटाई कंप्लीट हो गई, दोनों साइड के मुड्ढे घट गए, और अब 6 सेंटीमीटर और बनाएंगे, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी, 6 सेंटीमीटर बना लेते हैं उसके बाद दिखाएंगे, फिर गला घटाएंगे तब दिखाएंगे। 6 सेंटीमीटर बनने के बाद दिखाते हैं, ये देखिए मुड्ढे घटाने के बाद हमने 6 सेंटीमीटर बुनाई कर ली। अब गले की घटाई करेंगे तो पहले हम 30 फंदे बुन लेते हैं फिर दिखाते हैं। 30 फंदे बुनने के बाद फिर दिखाते हैं। देखिए हमने 30 फंदे बुन ली, अब दो फंदे का एक करते हुए 12 फंदे घटा देते हैं, 2 फंदे का एक करते हुए 12 फंदे घटा देते हैं फिर दिखाते हैं। इसी तरह फंदे घटाते रहेंगे जब तक ये 12 फंदे नहीं घट जाते, और 12 फंदे घटाने के बाद फिर दिखाते। ये देखिए 12 फंदे घटा दिए हमने, अब हम 30 फंदे सीधे बुन देते हैं उसके बाद दिखाते हैं, रो कंप्लीट कर लेंगे फिर दिखाते हैं। 12 फंदे घटाने के बाद 30 फंदे सीधे बुनेंगे, 30 फंदे बुनने के बाद दिखाते हैं। ये देखिए 30 फंदे बुन लिए हमने, अब उल्टी साइड आ गए तो उल्टी रो कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए अभी हमने 12 फंदे घटाए थे, अब हम 3 फंदे घटाएंगे, एक साथ 3 फंदे घटा देते हैं, एक फंदा घटाया, दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा, 3 फंदे घटा दिए, अब रो कंप्लीट करते, सीधी रो कंप्लीट कर ली, अब उल्टी साइड आ गए तो उल्टी रो भी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं, जहाँ तक हमने फंदे घटाए उतना बुन लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। उल्टी रो कंप्लीट कर ली, अब सीधी साइड आ गए, अब 2 फंदे घटाएंगे, अभी हमने 3 फंदे घटाए, हम 2 फंदे घटाएंगे, एक फंदा घटाया, दूसरा फंदा और रो कंप्लीट करेंगे।
सीधी रो कंप्लीट कर ली, अब उल्टी साइड आ गए तो उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाएंगे। उल्टी रो कंप्लीट कर ली, सीधी साइड आ गए तो अब एक फंदा घटाएंगे। अभी हमने दो घटाए, अब एक घटाएंगे। एक फंदा घटाया, रो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट कर लेते हैं और एक उल्टी रो बनेंगे, उसके बाद दिखाएंगे। देखिए पहले हमने 12 फंदे घटाए, फिर 3 2 1 एक करके फंदे घटाया। अभी हमको 5 सेंटीमीटर और बुनना है और उसमें हम 4 फंदे और घटाएंगे, तो हर दूसरी सिलाई पर एक फंदा घटाते हुए हम 5 सेंटीमीटर और बना लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। फिर दूसरी साइड का गला घटाएंगे, जिस तरह इस साइड का गला घटाया उस साइड हम दूसरी साइड भी इसी तरह से हम घटाएंगे। 5 सेंटीमीटर बन लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। बीच बीच में एक एक फंदा घटाते जाएंगे। देखिए ब्लाउज का पिछला हिस्सा कंप्लीट कर लिया हमने। पहले हमने मुड्डे घटाए, उससे सेंटीमीटर बनाया, फिर हमने गले की घटाई करी और गले की घटाई करने के बाद लंबाई कंप्लीट करी। और अब बाहें बनाएंगे तो बाहें के लिए हमने 45 फंदे डाल करके बॉर्डर बना ली 6 सेंटीमीटर। डिजाइन डालेंगे तो दिखाते हैं। ये हमने बॉर्डर बना ली 6 सेंटीमीटर और डिजाइन भी डालना शुरू कर दी है, और डिजाइन कैसे डालते हैं वो दिखाते हैं। एक फंदा बेगर बने लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, बीच का फंदा उतार लेंगे सिलाई से, आगे का फंदा पीछे करेंगे और आगे वाला फंदा बीच वाला फंदा आगे करेंगे। धागा आगे रखेंगे, 3 फंदे का एक करेंगे, 3 फंदे का एक किया, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदे का एक करेंगे। तीन फंदे का एक करेंगे, फिर धागा आगे रखेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे रखेंगे, 3 फंदे का एक करेंगे, बीच वाला फंदा आगे लेंगे, आगे वाला फंदा पीछे करेंगे और 3 फंदे का एक करेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे रखेंगे और 3 फंदे का एक करेंगे। इसी तरह रो कंप्लीट करना है, फिर रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये रो कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह डिजाइन डालते हुए। देखिए डिजाइन डालते हुए हमने रो कंप्लीट कर ली। एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करके दूसरा फंदा भी बुनेंगे और उल्टी साइड आ गए तो उल्टी सिलाई बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनना है, उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। देखिए रो कंप्लीट कर ली हमने, अब सीधी साइड आ गए तो सीधी रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। सीधी रो कंप्लीट करते हैं, अभी डिजाइन नहीं डालना है, सीधी रो कंप्लीट करेंगे उसके बाद दिखाते हैं। देखिए सीधी रो कंप्लीट कर ली, अब उल्टी रो भी कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं, उल्टी रो भी हमने कंप्लीट कर ली, अब सीधी साइड आ गए, फिर से डिजाइन दोहराएंगे। तो पहले हमने पहली सिलाई में हमने डिजाइन डालते हुए बुनाई करी, फिर हमने एक सिलाई उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी। अब चौथी सिलाई में हम फिर से डिजाइन डालना शुरू करेंगे। एक सिलाई उल्टी, एक सीधी, फिर एक उल्टी। डिजाइन डालने के बाद अब फिर से डिजाइन डालेंगे। एक फंदा बगैर बुने लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे रखेंगे,
बीच वाला फंदा आगे रखेंगे। तीन फंदे एक साथ बनेंगे। तीन फंदे एक साथ बनेंगे। धागा आगे रखेंगे और आगे का फंदा बीच का फंदा आगे रखेंगे, आगे का फंदा बीच में, और तीन फंदे एक साथ बनेंगे। फिर धागा आगे रखेंगे, एक फंदा सीधा बनेंगे, फिर धागा आगे रखेंगे, तीन फंदों का एक करेंगे, पीछे वाला फंदा आगे रखेंगे, आगे वाला फंदा पीछे, और तीसरा एक और फंदा लेके तीन फंदों का एक करेंगे। फिर धागा आगे रखेंगे, एक फंदा सीधा और धागा आगे, और बीच वाला फंदा, तीन फंदों की डिजाइन है तो आगे वाला फंदा पीछे और बीच का फंदा आगे रखेंगे, और तीन फंदे एक साथ बनेंगे। फिर एक फंदा सीधा बनेंगे, धागा आगे रख के फिर आगे धागा, तो तीन फंदों का एक। इसी तरह रो कंप्लीट करना है, सारी बुनाई इसी तरह करनी है। 5 सेंटीमीटर बनने के बाद फंदा बढ़ाना शुरू करेंगे, तो हर चौथी सिलाई में हम फंदा बढ़ाएंगे दोनों साइड, एक फंदा इस साइड, एक फंदा इस साइड, और जब तक 90 फंदे नहीं हो जाते तब तक के हमको फंदे बढ़ाना है, और 90 फंदे हो जाने के बाद बढ़ाना बंद करेंगे। अगर लंबाई कंप्लीट नहीं होगी तो लंबाई पूरी करेंगे बुनाई करते हुए, फिर घटाना शुरू करेंगे। तो इसी तरह ये बाह बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। अभी हमको फंदे नहीं बढ़ाना है, हमने 5 फंदे भी शुरुआत में बढ़ा लिए। पहले हमने 45 फंदे डाले, 6 सेंटीमीटर बॉर्डर बनाया, और 5 फंदे हमने सीधी सिलाई में बढ़ा लिए, फिर डिजाइन डालना शुरू करी। और अभी हम 5 सेंटीमीटर और बना लेते हैं, फिर हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। एक फंदा इस साइड बनाएंगे, एक फंदा इस साइड, हर चौथी सिलाई में हम फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरह बुनाई करते हुए बाहें की बुनाई कंप्लीट करनी है, डिजाइन डालेंगे इसी तरह से, पूरी सारी बाहें में इसी तरह से डिजाइन डालिए। और जब फंदे बढ़ेंगे तो उसका ध्यान रखेंगे, डिजाइन डालते हुए फंदा बढ़ाते जाएंगे। बाहें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं। देखिए बाहें की लंबाई 45 सेंटीमीटर कंप्लीट कर ली हमने, और अब घटाना शुरू करते हैं। तो पहले हम 6 फंदे घटा लेंगे, 2 फंदे एक साथ बनेंगे, 2 फंदे बुन लिए, फिर 2 फंदे बुने, 2 फंदे घट गए। इसी तरह 6 फंदे घटाना है, 3 फंदे घट गए, चौथा फंदा, ये 5वां फंदा, ये 6वां फंदा, 6 फंदे घटा दिए। अब रो कंप्लीट करते हैं, सीधी साइड से घटाना शुरू किया है, तो रो कंप्लीट कर लेते हैं सीधी रो, उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए सीधी रो कंप्लीट कर लिया हम, उल्टी साइड आ गए, तो उल्टी साइड हम 5 फंदे घटाएंगे, 2 फंदे एक साथ बुनते हुए 5 फंदे घटा देते हैं, और फिर उल्टी रो कंप्लीट करेंगे, तो उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। 4 फंदे घट गए, ये 5वां फंदा, अब उल्टी रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए उल्टी रो कंप्लीट कर ली हमने, अभी हमने 6 फंदे घटाए थे, अब हम 3 फंदे घटाएंगे। एक साइड हमने 5 फंदे घटाए, एक साइड हमने 6 फंदे घटाए, अभी हम 3 फंदे घटा देते हैं और रो कंप्लीट करेंगे उसके बाद दिखा दे। दो 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 फंदे एक साथ बुनेंगे, 2 फंदे घट गए, तीसरा फंदा, अभी इसी रो को कंप्लीट करने के बाद फिर दिखा दे। देखिए 3 फंदे घटाने के बाद हमने सीधी रो कंप्लीट कर ली, अब उल्टी साइड आ गए, तो उल्टी साइड हम 2 फंदे घटाएंगे। पहले हमने 5 घटाए, अब हम 2 फंदे घटाएंगे, 2 फंदे एक साथ बुने, 2 फंदे घट गए, अब उल्टी रो कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं। उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं।
देखो उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली हमने, अब सीधी साइड आ गए। अभी हमने छः, पहले छः फंदे फिर तीन, अब हम दो फंदे घटाएंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, दो फंदे का एक एक किया, अब दो फंदे का फिर एक करेंगे, दो फंदे घट गए। अब सीधी रो कंप्लीट करेंगे और डिजाइन डालते हुए बनाएंगे, क्योंकि पांचवी सिलाई पर डिजाइन पड़ती है, तो अब हम डिजाइन डालेंगे। तीन फंदों का एक करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, दो फंदा पलटेंगे, एक फंदा और लेंगे और तीन फंदों का एक करेंगे। इसी तरह डिजाइन बनाते हुए सिलाई कंप्लीट करते हैं। देखिए डिजाइन डालते हुए हमने बुनाई कंप्लीट कर ली। अब पहले हमने इधर पांच फंदे घटाए थे, फिर दो, अब अभी एक फंदा घटाएंगे, उल्टी साइड हम एक फंदा घटाएंगे, और रो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। उल्टी रो कंप्लीट कर ली, अब सीधी साइड आ गए, तो सीधी साइड भी हम एक फंदा घटा देंगे, दो फंदे एक साथ बनेंगे तो एक फंदा घट जाएगा, और अब सीधी रो कंप्लीट करते हैं, सीधी रो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। फंदा घट गए, पांच दो एक करके घटाए एक साइड, और एक साइड हमने घटाए छह तीन दो एक करके। अब रो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। सीधी रो कंप्लीट कर ली हमने, उल्टी साइड आ गए, तो अब उल्टी साइड हम पांच पांच फंदे घटाएंगे। अभी हमने पांच दो एक करके घटाया, अब पांच पांच फंदे दोनों साइड घटाते हुए बाजू बाहें कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टी सिलाई में भी हम पांच फंदे घटाएंगे, सीधी सिलाई में भी हम पांच फंदे घटाएंगे। एक फंदा घट गया, दूसरा फंदा, तीसरा, ये चौथा फंदा, और ये पांचवा फंदा। पांच फंदे घटा दिए, अब रो कंप्लीट करते हैं। रो कंप्लीट कर लेते हैं, उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली हमने, सीधी साइड आ गए, और सीधी साइड भी हम पांच फंदे घटाएंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, एक फंदा घट गया, दूसरा फंदा, और ये तीसरा फंदा, चौथा फंदा, और ये पांचवा फंदा। पांच फंदे घटा दिए हमने, अब रो कंप्लीट करते हैं। इसी तरह दोनों साइड से फंदे घटाते हुए बाहें की बुनाई कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। दोनों साइड पांच पांच फंदे घटाते जाएंगे, उल्टी सिलाई में पांच फंदे और सीधी सिलाई में पांच फंदे, इसी तरह घटाते हुए फंदे 10-12 फंदे रह जाएंगे, उसके बाद सारे फंदे बंद कर देंगे। तो ये बाहें की बुनाई कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए बाहें की बुनाई कंप्लीट हो गई, अब सारे फंदे हम एक साथ बंद कर देंगे। पांच पांच फंदे घटाते हुए हमने बुनाई कंप्लीट कर ली बाहें की। अब इसी तरह हम दूसरी बाहें भी बनाएंगे, और दूसरी बाहें कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे और गले की पट्टी बनाएंगे। तो दूसरा बाजू कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए दोनों बाहें कंप्लीट कर ली हमने, और बाकी के पार्ट भी हमने बना लिए हैं। ये देखिए पिछला हिस्सा है, ये अगला हिस्सा है, दाएं बाएं दोनों हिस्से हमने बना लिए। ये बाजू है तो बाहें हैं, और अब सिलाई कर देंगे कंधों से। शोल्डर की सिलाई करने के बाद बाजू अटैच कर देंगे, फिर गले की पट्टी बनाएंगे और साइड पट्टी बनाएंगे, बटन होल वाली पट्टी बनाएंगे और बटन वाली पट्टी बनाएंगे। तो पट्टी कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं। बटन पट्टी बनाने के लिए हमने 9 फंदे डाले हैं, तो एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, 13 इंच हम बटन पट्टी बना लेंगे, और उसी तरह हम
बटन होल वाली पट्टी बना लेंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, 13 इंच बॉर्डर पर 13 इंच पट्टी बना लेते हैं। बॉर्डर जैसे ही बुनना है एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा दोनों साइड से, जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही फंदा बुनेंगे। इसी तरह बुनाई करते हुए हम 13 इंच पट्टी बना लेते हैं, बटन पट्टी और बटन होल पट्टी बना लेंगे। तो दोनों पट्टियां बना लेंगे, उसके बाद दिखाते हैं किस तरह से पट्टी बनेगी। देखिए इस तरह से पट्टी बनेगी, ये 9 फंदे की से पट्टी बनाई है हमने। ये एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, 9 फंदे डाल करके ये बटन पट्टी बना ली हमने। इसी तरह हम दूसरी पट्टी भी बना लेते हैं उसके, और फिर गले की पट्टी बनाएंगे उसके बाद दिखाएंगे। ये ब्लाउज के सारे पल्ले जोड़ दिए हमने, पिछला हिस्सा अगला हिस्सा दोनों जोड़ दिए, और हमने बाएं भी जोड़ दी, और हमने गले के लिए 130 फंदे उठा करके 1.5 इंच गले की पट्टी बना ली है। आप बंदे बंद कर देते हैं। सारे फंदे बंद कर देंगे। इसी तरह सारे फंदे बंद कर देते हैं उसके बाद दिखाते हैं। डेढ़ इंच पट्टी बनाई है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, और बटन होल रखना है नहीं रखना ये आप अपने हिसाब से बनाइएगा। फंदे बंद कर देते हैं उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए गले की पट्टी कंप्लीट हो गई, सारे फंदे बंद कर दिए हमने और सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए कितना प्यारा ब्लाउज बना है। बहुत ही प्यारा ब्लाउज बना है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।